गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बॉडी बिल्डर पर 21 राउंड फायरिंग की गई है। 7 लोगों पर यह हमला करने का आरोप है। बॉडी बिल्डर की मौके पर ही मौत हो गई। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के ततिबड़ा रोड का है, जहां पर 26 साल का दीपेंद्र अपने घर के पास खेत के बाहर खड़ा हुआ था। आरोप है कि 7 लोग आए और उन्होंने कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। निशाने पर दीपेंद्र था और कई गोलियां दीपेंद्र को लग गईं। दीपेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। दीपेंद्र की अगर बात करें तो वह एक बॉडी बिल्डर था और नेशनल लेवल पर कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भाग ले चुका था। दीपेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर सबूत जुटा रही है। आरोपियों की तलाश का दावा किया जा रहा है। मामले में रंजिश का शक है। क्या नाम भैया आपका? विकास। ठीक, क्या बात हुई आपके घर पे जो घटना हुई, क्या मामला पूरा? भैया मैं पीछे यहाँ खेतों पे काम कर रहा था, काम खत्म हो गया तो घर के लिए जा रहा था। एक पास में बम्बा है, बम्बा के पीछे खेत है, तो एकदम से फायरिंग की आवाज़ हुई, तो मैं भी जल्दी से एकदम से इधर आया पर क्या फायरिंग हो रही है। तो फायरिंग होते हुए मैंने देखा कि इनके खंजरपुर वालों के लड़के हैं, जितेंद्र अंकल जी के, अक्षय है, सनी है, जोड़ी वालों के लड़के हैं। कितने लोग थे? करीबन 7 जने थे, जो अच्छा। मैंने एकदम से हथियार लेकर जाते हुए देखे हैं। इसमें जो है जोड़ी वालों के लड़के हैं, अंकित है, हरिया है, और जी एक लड़का और है, क्या नाम उसका, तो कितने राउंड मोती कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? करीबन 15-16 राउंड फायरिंग हुई होंगी। एक भानू नाम का लड़का है जो तिमटा रोड पे रहता है, वो भी था। दिन दहाड़े मार गए? हाँ, करीबन ये शाम की 5 बजे घटना है। पीछे उधर में ईंट का खेत है, वो बोरे थे, जैसे ही वो काम खत्म हुआ तब देखा मैं, एकदम आवाज़ सुन के इधर आया, फिर मैं ही उसको एकदम से लेके गया हॉस्पिटल। जैसे आया एकदम से देखा कि वो तो जो है उसको फायरिंग लगी है, गोली वोली लगी हुई थी, मैं उसको लेकर तुरंत ही गया। ठीक। थाना मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत है, जहाँ विकास पुत्र विजेंद्र के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराया जा रहा है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसके रिश्तेदार दीपेंद्र की हत्या 5 व्यक्तियों के द्वारा कर दी गई है। उन 5ों के नाम भी उसके द्वारा बताए गए हैं। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर के किया जाना प्रतीत होता है।